नमस्कार दोस्तों, मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट चैलेंज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दमे की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज क्या है, या फिर आपके बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाते हैं, थोड़ा सा चलते ही आपके सांस फूलने लग जाते हैं, आपके फेफड़ों में दर्द रहता है, आपकी छाती भरी भरी रहती है, फिर आपको दमे की बीमारी है, तो आप उसका आयुर्वेदिक इलाज कैसे कर सकते हो, उस बीमारी को एक बिना साइड इफेक्ट वाले आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे से कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा 100% वर्क करेगा और बहुत जल्दी आपकी आंखों के सामने रिजल्ट होगा और आपकी दमे की बीमारी आपको ठीक होती नजर आएगी। तो दोस्तों दमे की बीमारी पहले आप जान लीजिए होती किस वजह से है। दमे की बीमारी अगर दोस्तों कोई मरीज पिछले टाइम में अगर किसी को टीबी की ट्यूबरकुलोसिस पैरासाइटिस जिसको बैक्टीरिया जिसको हम बोल देते हैं, अगर किसी को टीबी की बीमारी रही है तो और वो अब वो ठीक हो गई है तो उसको दमे की बीमारी हो सकती है, उसके फेफड़े कमजोर हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम होती है दोस्तों जब हमारे ब्रोंकाइटिस हमको हो जाता है, हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, हमारे फेफड़ों में इतनी जान नहीं रहती, या फिर हम ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या फिर किसी पोल्यूटेड एरिया में अगर हम रहते हैं, धूल भरे वातावरण में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दमे की शिकायत हो जाती है। ज्यादा जितनी ज्यादा उम्र ढलती जाएगी दमे की बीमारी होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों कम उम्र के लोगों को भी दमे की शिकायत हो जाती है, या फिर कुछ मेरे भाई ऐसे बोलते हैं कि हम थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लग जाते हैं, जो लोग रेस लगाते हैं यानी कि दौड़ की तैयारी कर रहे हैं उनके सांस फूलने लग जाते हैं। जो मैंने उसका दोस्तों आपको बताऊंगा सारी की सारी प्रॉब्लम कवर हो जाएंगी, आपके सांस नहीं फूलेंगे, आपके फेफड़े बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, आपकी दमे की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने आपको बताया क्या है दमे की बीमारी। दोस्तों इसका आपको करना क्या होगा, क्या इलाज है, आपको दोस्तों पंसारी की दुकान पर जाना है और वहां से आपको लेके आना दोस्तों सुहागा का फूला। एक दोस्तों सुहागा होता है, एक होता है सुहागे का फूला, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा दोस्तों सुहागे का फूला आप ले आइए 50 ग्राम, और साथ में दोस्तों आप ले आइए मुलैठी का पाउडर या फिर मुलैठी ले आइए 50 ग्राम, उसका पाउडर बना लीजिए। अलग अलग दोस्तों सुहागे के फूले का भी आपने पाउडर बनाना है और मुलैठी का भी पाउडर बनाना है, अलग अलग बर्तन में कूट के इनका बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लीजिए। उस चूर्ण को दोस्तों आप कपड़ छान कर लीजिए, किसी सूती कपड़े में से उसको छान लीजिए, बिल्कुल बारीक चूर्ण दोनों का छान लीजिए और दोनों को मिला करके एक शीशी के अंदर भर के रख दीजिए। कांच की शीशी के अंदर भर के रखोगे तो दोस्तों और भी अच्छी बात है, क्योंकि कांच की शीशी के अंदर हमेशा जो चीज हम डालते हैं वो शुद्ध रहती है। किसी कांच की शीशी को आप साफ कर लीजिए, उसके अंदर दोस्तों इन दोनों चीजों का पाउडर मिला के रख लीजिए, मुलैठी का पाउडर और जो सुहागे का फूला होता है उसका पाउडर 50-50 ग्राम। अब दोस्तों ये आपकी दवाई तैयार है, बहुत ही अच्छा जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके फेफड़े कमजोर हैं और जिसकी जिसको थोड़ा सा चलते सांस फूलने लग जाते हैं, जिसके फेफड़ों में बलगम जमी हुई है, जिसके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, जिसको छाती में दर्द रहता है और जिसकी छाती भरी भरी रहती है। इस नुस्खे का दोस्तों सेवन कैसे करना है आप एक बार ये ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपने दोस्तों 5 से 10 ग्राम वो पाउडर निकालना है, 5 से 10 ग्राम दोनों का जो मिश्रण किया हुआ चूर्ण है वो निकालना है और एक हथेली पर रख लीजिए या फिर किसी बर्तन के अंदर रख लीजिए। उसके अंदर दोस्तों आप 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला लीजिए और उसको अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता से चाट लीजिए। अगर आप शहद के साथ नहीं ले सकते हो तो उस 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम जो पाउडर है उसको गर्म पानी के साथ उसका सेवन कीजिए दिन में 2 या 3 बार। जब इस नुस्खे का आप सेवन करो, खाली पेट भी कर सकते हो, भरे पेट भी कर सकते हो, तो आपने दोस्तों आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है इस नुस्खे का सेवन करने के बाद। आपको दोस्तों बहुत ही जल्दी इस नुस्खे का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने कुछ परहेज करने होंगे दोस्तों कुछ चीजों के, जैसे कि दही का, केले का और जितनी भी ज्यादा ठंडी चीजें होती हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है उन चीजों का आपने सेवन नहीं करना है, खाने वाली चीजों का। अदरवाइज आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, तली हुई चीजों का आपने ज्यादा सेवन नहीं करना है। आप अपनी दमे की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो इस नुस्खे का उपयोग करके, बहुत सारे लोगों को दोस्तों फायदा हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सवाल जवाब है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।
और मेरी दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन उस पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे तो ऊपर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और दोस्तों मैंने एक वेबसाइट बनाई है www.rambanira.com, अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो सभी की सभी बीमारियों का इलाज आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।